बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश 9th पैराग्राफ नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने किया था द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसका पहला पैराग्राफ। आज हम उसका दूसरा पैराग्राफ करेंगे। तो दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं हम। द अरब्स पजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। अरब के जो लोग थे, पोजेस्ड मीन हमल होना, मलकियत थी इनकी बहुत ज़्यादा, रिमार्केबल मीन शानदार, मेमोरी मीन हाफजा। अरब के लोग जो थे गज़ब की याददाश्त रखते थे, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और वानी से बोलते थे, ये फरफर बोलते थे ये लोग, यानी उनकी ज़बान अरबी थी तो अरबी ये फरफर बोलते थे। अगर हमारी ज़बान उर्दू है तो हम उर्दू, हमें फरफर बोलनी चाहिए, यानी जो उनकी ज़बान थी उसमें अटकते नहीं थे। देयर एलिगेंस, अब इनकी जो रवानी थी, इनकी फसीह बलागत थी, एंड मेमोरी, और इनकी जो याददाश्त, जहाँ तक इनकी याददाश्त का तलक है और फसीह बलागत का तलक है, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, वो इससे पता चलता है इनकी शायरी के ज़रिए। इनकी याददाश्त, इनके हाफजे का जो पता चलता है वो इनकी शायरी से पता चलता है। एवरी ईयर हर साल आफियर वाजल्ट एक मेला मुनक्कद होता था फॉर पोइटिकल कम्पटिशन एट अकाज, जहाँ शायरी का मुकाबला होता है अकाज के मुकाम पे। हर साल वहाँ एक मेला लगता था जो शायरी का मुकाबला होता था वहाँ अकाज के मुकाम पे। इट इज रिलेटेड, और ये कहा जाता है, ये बयान किया जाता है, या ये रवायत है, दैट हमार सेट टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमार ने कैलिफ खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, कि ये मैं आपको सुना सकता हूँ 100 फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर हरूफ दर्जी के लिहाज से, यानी उर्दू के हरूफ 37 हैं हरूफ दर्जी, और ABC के 26 हैं, और अरबी के 35 हैं, यानी कहता है इस लिहाज से मैं आपको सुना सकता हूँ 100 लॉन्ग पोएम, 100 लंबी पोएमें, यानी अगर अलग पे पोएम शुरू करूँ तो अलग पे 100 लंबी पोएमें सुना सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इन टू काउंट शॉर्ट पीसेज, जिसके अंदर छोटे छोटे किताब शामिल नहीं होंगे, छोटे छोटे टुकड़े शामिल नहीं होंगे, एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब बातें वाज कम्पोज एक्सक्लूसिवली बाई पोइट बिफोर द प्रोमुलगेशन ऑफ इस्लाम, प्रोमुलगेशन एडवेंट आमद, ये तमाम बातें इस्लाम की आमद से पहले की बात है। वो कहता है हमार ने कहा कि इस्लाम के आमद से पहले जो लोग थे उनकी फसीह और बलागत इतनी थी, उनकी रवानी इतनी थी, उनकी याददाश्त इतनी थी कि वो एक हरफ पे 100 लंबी पोएम में सुना सकते थे। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये भी थोड़ी छोटी सी बात नहीं है, थोड़ी हैरानी वाली बात नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी चूज द अरेबिक लैंग्वेज, अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया। चूज़ मीन इंतखाब करना, अरेबिक लैंग्वेज अरबी ज़बान का, लैंग्वेज मीन ज़बान को कहते हैं और टंग भी ज़बान को कहते हैं। टंग जो आपके मुंह में ज़बान है, लैंग्वेज वो ज़बान जिसे जो आप बोल रहे हैं। तो फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, अपने आखिरी अल्फाज जो हैं फाइनल मीन हतमी आखिरी, उनकी अशात के लिए डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन, और उनकी तहफ़ के लिए ऑफ हिज वर्ड, अपने आखिरी अल्फाज जो हैं उनके तहफ़ के लिए और अशात के लिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का चुनाव किया। यहाँ एक सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट अकास, अकास के मुकाम पे किस चीज़ का मेला लगता था। पोइटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एज अकास, अकास के मुकाम पे शायरी का मेला लगता था। तो बेटा ये आपका लेक्चर था आज का, पैराग्राफ नंबर 2। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।